नमस्ते प्रणाम जेबीएम के देखा था सबके दिल से प्रणाम की आप लोग चुली लाइव आने का कारण ये था कि मेरे दो गाने यूट्यूब से डिलीट हो गए थे और कारण भी पता है मुझे बट ठीक है थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है और मैं अगर परेशानियां आप सबसे बोलूं तो शायद मुझे लगता है कि फिर भी बात खड़ा होगा और मैं अभी सब चीज़ों से बड़ा दूर हो गया हूँ क्योंकि नहीं अब आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ मुझे मिलता है और मैं मजबूती के साथ हर वो चीज़ों को करता हूँ। बड़ा मेहनत करके आदमी कुछ गाना बनाता है और उस गाने को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लोग ठीक है दोनों गाना आज अनंता फिल्म अनंता म्यूजिक वर्ल्ड जो कि प्यारा बच्चा है हम लोग के भाई है वो टुनटुन जिसने चुनरिया ले ले यह गाना भी लिखा था एक राइटर है बेचारा कंपनी दो पैसे कमाने के लिए खोला है उसके बावजूद भी उसके साथ गलत हुआ मेरे साथ गलत हुआ लेकिन ठीक है वो गाने आए गए फिर से कमरिया पर भाला चली। एक और गाना मटक मटक के जिसमें मैंने गाया नहीं था हम और सपना जी ने फिशरिंग की थी और आप सबको बड़ा प्यारा और गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी था लेकिन उसको भी डिलीट कर दिया गया और प्रॉब्लम हो रही है बट ठीक है आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे और आज एक तीसरे से भी गाना हमारा रिलीज हुआ है या खुदा बहुत प्यारा सॉन्ग है मुझे तो लगता है कि शायद उस पर भी स्ट्राइक चली जाएगा और ये कॉपीराइट का टेंशन नहीं है कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं है अभी जो मेरे साथ हो रहा है कि हाँ किसी का गाना ट्यून मिल रहा है या कुछ मिल रहा है ये पर्सनल एक प्रॉब्लम है हमारी जो एक मेरे बड़े भाई से है और वही चीज़ें हर जगह हो रही है बट ठीक है देखता हूँ कब तक हमारे बड़े भाई हमें परेशान करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर जब तक आप सबका साथ है मुझे लगता है कि हम मुझे इस धरती पर कोई परेशान नहीं कर सकता क्योंकि आप हमारे साथ हैं क्योंकि हमारे मैं जिस जगह पे हूँ चाहे मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ या मैं स्टार हूँ कि आपका बेटा हूँ जो भी हूँ बस सिर्फ आपका हूँ और मुझे लगता है कि आप जब तक साथ हैं ये जगह आप सब ने दी है लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोगों का एक दो तीन चार पाँच दस लोगों को ये लगता है कि हम खेसारी के जीवन में प्रॉब्लम खड़ा करेंगे तो शायद खेसारी परेशान हो जाएगा। मैं कभी परेशान नहीं होता अब तो बिल्कुल नहीं होता रीज़न है कि आप सब मेरे साथ हैं हर परेशानी में आप सब खड़े रहे हैं मेरे साथ जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। तो अभी जो गाना कम से कम 15-16 घंटा तक वो यूट्यूब से डिलीट रहा फिर से ओपन हुआ है अनंता म्यूजिक वर्ल्ड कमरिया पे भाला चली जो कि एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा हिमाचल प्रदेश की हैं सपना चौहान जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें और हमारे वीडियो डायरेक्टर पाल और कंपनी के मालिक टुनटुन नथुनी जी ये लोगों ने बहुत बेहतर उसको टुनटुन ने लिखा भी आर्या ने म्यूजिक दी बहुत अच्छा और चीज़ें भी बड़ी हुई लेकिन ठीक है कोई बात नहीं वो फिर से आया अब आप लोगों को इतना भर भर के प्यार देना उस पर आज टी सीरीज का जो गाना रिलीज हुआ उस पर ये बताना होगा कि हम खेसारी से मोहब्बत करते हैं ये लोगों तक लोगों को जबकि पता है कि हाँ आप हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं आप सब लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि वो मुझे डिस्टर्ब कर देंगे तो अब मैं क्या बताऊँ जाको राके साइया मार सके ना कोई इंसान इस धरती पे आके अपने आप को भगवान समझ लेता है ये उसकी गलती है क्योंकि भाई आपके ऊपर भी है कोई तो मैं तो बस भगवान पे छोड़ता हूँ हर चीज़ें और मेरे भगवान आप सब हैं जो आप मुझे बेहद इतनी प्यार और मोहब्बत के साथ मेरे जीवन को लेकर चलते तो मटक मटक गाना फिर से आ गया यूट्यूब में और कमरिया पे भाला चली
तो मैं विश्वजीत जी को भी ढेर सारी शुभकामना की, चलिए कोई भी बात नहीं, लोगों का प्यार आपको फिर से दोबारा मिलेगा और फिर से वो ट्रेंडिंग में जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ही हम सबको बनाते हैं। और मेरे तरफ से उस कंपनी को भी ढेर सारी शुभकामना और सपना चौधरी जी को भी ढेर सारी शुभकामना। और लोगों ने भर भर के प्यार दिया, वो गाना ट्रेंडिंग में रहा, लगातार ट्रेंडिंग में जब से रिलीज हुआ तब से। तो कमरिया पे भाला चली, मटक मटक और या खुदा, ये तीनों गाना आज आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो प्लीज आप इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दीजिए कि फिर से वो चीजें आप सबके सपोर्ट और प्यार के बदौलत तो दोनों कंपनी, वो तीनों कंपनी और वो तीनों गाना आप सबके बीच में एक अलग इतिहास बनाए। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच कि आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से फिर वो गाना आया। बट देखते हैं कि अभी कितने गाने डिलीट होते हैं मेरे और कितना परेशान होता हूँ। ये भी एक दुनिया है, इसको इंजॉय करना चाहिए। आप लोग घबराइए मत, जब मेरा कोई गाना डिलीट होता है तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होता उसका, वो पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ चीज़ें हो रही है मेरे साथ। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे पास थे बट शायद अभी वो डिले होंगे, क्योंकि अगर मैं किसी नए कंपनी के लिए गाना गाऊंगा तो शायद अभी वो डिलीट हो सकता है। बोला ना बड़े भैया हमारे, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो उन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ें की जा रही है। तो बट ठीक है, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। बट आप चिंता मत करिए, आप लोग बिल्कुल अपने भाई को ऐसा ही प्यार दीजिए, जब भी गाना आए तो भर भर के मोहब्बत दीजिए ताकि आपका भाई ऐसे ही हंसता रहे, क्योंकि हमारी हंसी आप हैं, हमारी खुशी आप हैं, हमारी गम भी आप हैं, हर वो चीज़ आपसे जुड़ी है मेरी। तो दो रोटी खाता भी हूँ तो आप सबके बदौलत खाता हूँ, मेरा परिवार भी चलता है तो आप सबके बदौलत चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, घबराने का नहीं, आपका भाई कभी घबराता नहीं है, क्योंकि आप, मैं अकेले थोड़ी हूँ जो घबरा जाऊँगा, मेरे साथ पूरी दुनिया है जहाँ जहाँ से मुझे मोहब्बत मिलती है, इसीलिए मैं बहुत मजबूत हूँ। तो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद अपना देते रहिए और गाना का एंजॉय करिए। प्लीज आप लोग इतना प्यार और शेयर दीजिए और उस चैनलों को सब्सक्राइब करिए कि लोगों, जिनको लगता है कि वो मुझे बर्बाद कर देंगे, उनको भी समझ में आए कि नहीं खेसारी को प्यार करने वाले इतने लोग हैं कि खेसारी को 20 घंटा क्या, 2 साल भी डिस्टर्ब किया जाए तो खेसारी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपका प्यार हमें मिलता है। तो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद अपने भाई को और ये गाने को जहां भी हैं आप भजवाने की कोशिश करिए और शेयर करिए। तो लव यू ऑल, मटक मटक के लिए पूरी टीम को, कमरिया पे भाला चली और या खुदा जो टीचर इससे आया है, तो ऐसे ही प्यार दीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।